चोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्रिमिनल एफ आई आर लिखवाते थे और जिस पर अत्याचार होता था वो पुलिस स्टेशन तक आता था, भगा दिया जाता था। मुझे याद है 2007 में आपने जो गुस्सा था, फिर आपने मायावती जी को दिया, वो तो आदमी दे दी, कहा भैया इस बात पूरी बहुमत देंगे इनको, दे दी। क्या हुआ, क्या प्रगति हुई? महाराष्ट्र में आपके लोग जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, यहां उनका विचारों का परिवार बैठा है। बुंदेलखंड की बात की आपने, पूरा बुंदेलखंड भाग गया, घर बंद पड़े हुए थे। मायावती जी एक बार ले गए, मैंने उनसे एसोसिएट से कहा भैया मायावती जी एक बार बुंदेलखंड नहीं गए, लोग ले रहे वहां पे जाके देख लीजिए, नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा जाना है, शासन ने दिया है कांग्रेस को जी। अब देखिए प्रधानमंत्री जी ने 3,000 करोड़ रुपए भेजा बुंदेलखंड और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए, गायब हो गया, पता नहीं लगा किसके लिए भेजा पैसा, वहां पर किसानों के लिए, कुओं के लिए, मजदूरों के लिए, उसके लिए मनरेगा आचार संहिता का उल्लंघन, बोर्ड वगैरह सब गायब हो गया। सरकारी बोर्ड अभी प्लानिंग कमीशन से और टैक्सी वालों वाले आ गए, ले लिया है, हैरान हो गए वो कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने बयान दिया कि भैया तो हुआ क्या, वहां पर अध्यक्ष है ऐसा कहा गया, 3,000 करोड़ रुपए भेजे हमने, गायब हो गया। उनको दिया गया है, बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़े वायदे होते हैं, अब कह रहे भैया बदल देंगे उत्तर प्रदेश को। उल्लंघन ये है कि एक महीना पहले नहीं, 5 साल उन्होंने मंत्री चलाए, कम होना चाहिए, 3 दिन पहले 4 मंत्रियों को हटाया, सब चीजें आती है, किसी भी चीज को उल्लंघन मान लेते हैं वही भ्रष्ट मंत्रियों को 4-5 साल चलने दिया। सुन रहे हो गया राहुल गांधी इलेक्शन से एक महीना पहले कहा भैया इनको तो मैं हटा रही हूँ, शूट करके तुरंत कर लिया उन्होंने, रुक गया आपका पैसा। लोकपाल पे भी बोले हैं लोकपाल, एक महीना पहले करिए भैया मैं पहुंचा रही हूँ, इसका महबूब बना रही है वो पार्टी थी, उन्होंने बटन नहीं दिया, और उसका जो पोर्टफोलियो है चारों मंत्रियों से पोर्टफोलियो को उठा के दे दिए। हमने सेंट्रल कमीशन की बात की, हमने कहा भैया अस्पताल से घूमे पीछे ले गए हैं, विकास नहीं है इसका, इनको जोड़े विकास से सदन से जोड़ो, सेंट्रल कमीशन रिपोर्ट लाए। उन्होंने कहा पहली बार उन्होंने कहा कि जो हमारे अस्पताल के भाई हैं पीछे रह गए, इनको शामिल किया जाए, डिस्ट्रिक्ट में जहां की आबादी ज्यादा है वहां पैसा भेजा जाए, और हमने किया, हजारों करोड़ रुपए भेजे, हर सबसे होंगे डिस्ट्रिक्ट में स्कॉलरशिप के लिए, क्या हुआ? गायब हो गया। फिर हमने अभी रेजर्वेशन की बात चालू की, हमने कहा भाई रेजर्वेशन होना चाहिए अस्पताल के लिए, मुलायम सिंह जी ने एक शब्द नहीं कहा, सुषमा बैठी थी और उन्होंने बटन नहीं दबाया। मुझे पत्रकारों ने पूछा भैया रेजर्वेशन के बारे में क्या सोचते हो, सन्नाटा, एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। जब मायावती जी और उनको पता लग गया कि कांग्रेस पार्टी करने जा रही है तो फिर मायावती जी कहती है, हिमाचल ने कहती है भैया हम कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आरक्षण दो, 5 साल सरकार थी उनकी, यहां कुछ नहीं किया, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी कुछ नहीं किया, और जब हमने ले लिया तो फिर मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कब लिया। अरे भैया आपने तो लिया ही नहीं, जब आपसे पूछा गया था कि आप इसके बारे में सोचते क्या हो, सन्नाटा छा गया था, जैसे रात हो गई भैया सन्नाटा, और जब हमने किया तो कम किया, जो सेंट्रल कमीशन हम लाए गलत लाए, उसने लागू किया वो भी गलत था, तो कहते बहुत नहीं ये लोग, नुकसान किसका होता है? आपका होता है, यूपी का होता है, और मैं आपको ये कहने आया हूं कि अब आप यहां से नहीं हिलने वाला हूं, जब तक इस प्रदेश में
प्रदेश में विकास नहीं शुरू होगा जब तक ये देश इस प्रदेश में गरीबों की सरकार नहीं बनेगी, कमजोर लोगों की सरकार नहीं बनेगी, जब तक यहां भोजन का अधिकार नहीं चलेगा, मनरेगा नहीं चलेगा ठीक से, तब तक राहुल गांधी यहां से गिरेगा नहीं। और जो भी दिल्ली की सरकार कर सकेंगे वो हम करवाएंगे। जितना पैसा आपको चाहिए मिलेगा। अगर आप यहां एक ऐसी सरकार लीजिए जो दिल्ली का पैसा है वो आप तक पहुंचा पाए, आप दूर दूर से आए, हमारी संख्या में आए और बहुत अच्छी तरह आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। मैं आपके हद में कहना चाहता हूं, देखिए मेरी राजनीति भोजन की नहीं है, मैं यहां आपके लंबा रिश्ता बनाने आया हूं। चुनाव आते हैं चुनाव चले जाते हैं, मैं आपके पूरी जिंदगी भर का रिश्ता बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए, मैं चाहता हूं एक दिन ऐसा आए आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जो पूरा हिंदुस्तान देखे, यूपी की ओर देखे और कहे भैया जो यूपी कर रहा है हमें करना है, जो विकास यूपी में आ रहा है, जो विकास यूपी में हो रहा है यहां भी होना चाहिए। एक ऐसा दिन आए जो बाकी प्रदेशों के लोग कहे हम अपने बच्चों को यूपी स्कूल भेजना चाहते हैं, जब किसी को बीमारी हो, केरल में किसी को बीमारी हो, दिल की बीमारी हो, कोई और बीमारी हो तो वो कहे भैया मैं यूपी में इसको भेजना चाहता हूं, यूपी में सबसे बेहतर अस्पताल। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब आप लोग यूपी में रोजगार पा पाए। ये नहीं कि आपको यहां अपने परिवार को छोड़ना पड़े, बच्चों को छोड़ना पड़े और आप जाओ भैया मुंबई, आप जाओ हरियाणा खेतों में काम करो, बाकी प्रदेशों को बढ़ाओ। मैं उस दिन के लिए रुका और वो दिन आएगा और हम एक साथ उस दिन को लाएंगे, आप देख लेना। ये मैं आपसे कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद।